गाइस, आज इलेक्ट्रॉनिक स्टोव का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। कल पढ़े थे सिंगल ट्यून वोल्टेज रेक्टिफायर, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होते हैं, उसका डिसएडवांटेज। तो आज उसी का है डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या होता है डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर? सेम उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो उसकी सर्किट डायग्राम होती है, उसमें क्या होता है, सारा चीज सेम होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है। क्या कहता है, डबल ट्यून लगाया जाता है उसमें। क्या किया जाता है, डबल ट्यून लगाया जाता है, सर्किट लगाया जाता है। तो क्या है, द ऑब्टेंड हाई सेलेक्टिविटी, हाई गेन एंड रिक्वायर्ड बैंडविड्थ डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर आर यूज्ड। क्या होता है इसमें, डबल एम्पलीफायर में हाई गेन होता है, जो उसकी सेलेक्टिविटी होती है वो हाई होती है, एंड बैंडविड्थ क्या होता है इसका, हाई होता है। उसमें डबल ट्यून लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डबल। सिंगल में क्या था, सिंगल लगाया जाता है, और इसमें क्या होगा हमारे पास, डबल लगाया जाएगा। क्या लगाएंगे, डबल ट्यून लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर आर यूज। इसमें क्या होता है कि इस सर्किट में जो हमारे पास सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है, उसको रिप्लेस करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो ट्यून सर्किट होगा हमारे पास, उसको रिप्लेस कर क्या करेंगे, उसमें सिंगल था, इसमें क्या करेंगे, डबल लगाएंगे। तो आगे है, डबल बैंडविड्थ एंड अनरिजेबल अटेंशन आर ओवरकम बाई यूजिंग डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। इसमें क्या था, जो सिंगल में था अनरिजेबल था, और अटेंशन आर ओवरकम था, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसमें डबल वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डबल ट्यून लगाएंगे। तो उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर लगाएंगे सबसे पहले। ये हमारा फर्स्ट ट्यून हो गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इनपुट वोल्टेज। क्या करेंगे, यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे। तो क्या था, ये हमारा क्या बन गया है, सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। ये हमारा क्या है, सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। इसमें हमको क्या करना है, डबल लगाना। क्या लगाना है, क्या करना है, ट्यून सर्किट को क्या करना है, डबल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आउटपुट में क्या करेंगे, डबल लगाएंगे। क्या किया यहां पर, इसको हम डबल कर दिए ये, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। कहां से आएगा, ये सीधा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट। ये हमारा क्या होगा, सिंगल ट्यून सर्किट में क्या था हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस आएगा यहां से आर वी वन ये सेम है। ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर का सेम डिजाइन है। इसमें भी हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एनपीएन लगा यूज हुआ है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है, इसमें क्या किए हम, ट्यून सर्किट को क्या किए हैं, डबल कर दिए। उसमें क्या था हमारा, ये सिंगल था, ये पोर्शन नहीं था हमारा, ये हमारा नहीं था। तो क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। लेकिन इसको हम क्या किए हैं, ट्यून सर्किट को क्या किया, रिप्लेस किया, इसमें क्या किया है, डबल ट्यून कर दिए। ये हमारा क्या है, ट्यून सर्किट। इसमें क्या है, ये हमारा क्या था, सिंगल। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये क्या हमारा आएगा, सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डबल कर रहे हैं। किसको डबल कर रहे हैं, ट्यून को कर रहे हैं डबल। ये हमारा, तो ये हमारा क्या जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। इसको हम क्या किए, डबल कर दिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये
ये आउटपुट वोल्टेज आ गया, ये हमारे पास क्या है इनपुट सप्लाई, इनपुट सप्लाई था। तो इसको ये हमारा सिंगल, ये डबल एन पिन, ये हमारा रेजिस्टेंस सेम है RB1 RB2, ये इमीटर रेजिस्टेंस, इमीटर कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर इंडक्टेंस, ये हमारा वोल्ट कलेक्टर सप्लाई। तो हमारे पास जितने भी थे ट्रांजिस्टर के अंदर, जितने भी थे हमारे पास सर्किट डायग्राम के अंदर में, उसको क्या किए हैं अब नीचे क्या करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे ऑपरेशन करेंगे कि ये यूज कैसे होता है। तो व्हेन सिंगल कंटेनिंग मेनी फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्लाइड क्या होगा इनपुट, जिसमें जो क्या करेंगे मेनी जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट में क्या करेंगे इसको अप्लाई करेंगे, और ये क्या करेगा जो जितने फ्रीक्वेंसी है ये ट्यून क्या करेगा L1 C1, जो हमारा क्या है L1 C1, ये हमारा क्या है L1 C1। और उसके नेक्स्ट हमारा ये क्या होगा, ये हमारा L1 C1 L2 C2, ये सिंगल ट्यून, और इसको हम कनेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा डबल ट्यून हो जाएगा, डबल ट्यून सर्किट हो जाएगा। तो इसमें एम्पलीफाई करेगा, इसको सिग्नल को करेगा एम्पलीफाई, इस सिंगल के लिए सिंगल ट्यून में करेगा और ये डबल के लिए क्या करेगा डबल ट्यून में करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। अब नेक्स्ट बच रहा है कि इसमें क्या होगा हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में होगा, कि उसमें था क्या हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर में सिंगल में था कि ये पोर्शन था उसके, ये पोर्शन था इसके लिए सिंगल के लिए, लेकिन डबल के लिए हमारे पास क्या होगा ये सिस्टम आ जाएगा इसमें इस टाइप का आएगा, इसमें डबल ट्यून में ओवरलैपिंग करेगा सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा सिग्नल है फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या करेगा डबल आ जाएगा ये डबल ट्यून। सिंगल के लिए क्या था हमारे पास, ये सिंगल था रेडियो फ्रीक्वेंसी था हमारे पास, इसमें क्या होगा डबल आएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के पास। तो ये टॉपिक था हमारा, कल इसको डिटेल्स में बताएंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर का। थैंक यू।